ये क्रोशे की लेस में सीखेंगे कि डेकोरेटिव पर्ल्स किस तरह से यूज़ करके सिंपल लेस बना सकते हैं। सबसे पहले थ्रेड को अटैच करेंगे, चेन 3 बनाएंगे। चेन 3 बनाने के बाद अब हमें फैब्रिक में इसके पास ही 4 डबल क्रोशे लाइन से बनाने हैं। मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाएंगे, वन वन लूप में से निकालेंगे, वन फिर टू लूप्स फिर टू लूप्स में से। चेन 3 वन डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी और 4 डबल क्रोशे बनाए तो टोटल ये 5 डबल क्रोशे हो गए। अब हमें इस तरह से लूप पुल करना है और एक पर्ल को इसके ऊपर लेकर आना है, ये लूप के ऊपर। तो यहाँ से हुक में इंसर्ट करेंगे और इसे ये लूप के ऊपर पुल कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर चेन वन बनाते हुए इसे ऐसे अटैच कर देंगे। अब इसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर रखना है इसे फैब्रिक में और देखना है कि स्ट्रेट किस तरह से जाती है, कहाँ पर, वहाँ पर हमें ये स्टिच बना देना है। हम डबल क्रोशे बनाएंगे वहाँ पर, वही पॉइंट पे। इस तरह से अब लाइन से हमें फिर से 5 डबल क्रोशे बनाना है, तो ये वन बनाएं। अब 4 मोर डबल क्रोशे बनाएंगे इसी के पास। इस तरह से अब सेम रिपीट करना है और नेक्स्ट पर्ल को स्लिप करना है। इस तरह से लूप में स्लिप करने से पर्ल पीछे भी यहाँ पर डिज़ाइन सेम दिखाई देती है और आगे भी यहाँ पर कोई थ्रेड नहीं आता है बीच में, तो इसीलिए ये टेक्निक यूज़ करते हैं। तो अब इसी तरह से सेम रिपीट करें और ये डिज़ाइन को कंप्लीट करें।